भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टेस्ट टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो लगातार आलोचना के शिकार हो रहे हैं और वो निशाने पर हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, इन सभी के प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं और तमाम फैंस भी, पूर्व क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि इनकी जो अब उम्र हो गई है उस उम्र को देखते हुए इन्हें टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावे किए गए कि अगर बीजीटी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इन चारों खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और टीम इंडिया का बुरा प्रदर्शन रहा, भारतीय टीम हारी सीरीज, तो इनके भविष्य पर फैसला बीसीसीआई कर लेगी। इनमें से दो तीन खिलाड़ियों को जो है टीम से बाहर कर दिया जाएगा या तो इनका बोल दिया जाएगा कि आप टेस्ट क्रिकेट से अब रिटायरमेंट अनाउंस करो। ये खबरें तेजी से चल रही हैं। तो इन्हीं खबरों पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने भारतीय क्रिकेट फैंस से एक अपील की है। दिनेश कार्तिक ने कहा है कि हम बहुत जल्दबाजी में हैं, कम से कम 10 टेस्ट मैच इन खिलाड़ियों को जरूर देने चाहिए। अभी तो इन्होंने बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ ही बुरा प्रदर्शन किया है, इतनी जल्दी इन्हें ड्रॉप करना टीम से और इन्हें रिटायरमेंट के लिए कहना ये गलत है। अभी इन्हें कम से कम 10 टेस्ट मैच और देने चाहिए। ये दिनेश कार्तिक का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं, एक सीरीज खराब हुई और हम बोलने लगे कि इन्हें टीम से निकाल दो, इन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, हमें कम से कम इन्हें 10 और टेस्ट मैच देने चाहिए और उसके बाद हम देखें कि ये कमबैक कर पा रहे हैं या नहीं, इन्होंने कमबैक किया है या नहीं, और फिर उसके बाद में इन पर फाइनल फैसला लेना चाहिए। जल्दबाजी में इन्हें टीम से ड्रॉप करना या फिर इन्हें रिटायरमेंट के लिए इन पर दबाव बनाना ठीक नहीं है, ये दिनेश कार्तिक का कहना है। आप दिनेश कार्तिक से सहमत हैं या असहमत, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।